नमस्कार, मैं विकास आज आपसे अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। आज मैंने फुटपाथ पे एक व्यक्ति को देखा जो कि दिमागी तौर पर अस्वस्थ था, जिसके तन पे कपड़े नहीं थे, एक फटी हुई केवल निक्कर पहनी हुई थी और उसके पाँव में बहुत ही गहरा जख्म था जिसकी वजह से वो बहुत दर्द का अनुभव कर रहा था। और उसकी हालत ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति उसके करीब नहीं जा रहा था। तो ये दृश्य जब सामने आया तो समझ में नहीं आया उस समय कि क्या किया जाए, पुलिस को फ़ोन करें या कोई मेंटली जो ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे हॉस्पिटल को फ़ोन करें। उसी समय मैंने अपने मित्र रमन को फ़ोन किया और उससे ये बुलाया और उसको कहा कि हमें क्या करना चाहिए, सलाह की। तो उसने कहा कि एक मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा है अपना घर आश्रम करके, जो कि ऐसे व्यक्तियों को अपनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने कभी ये दृश्य आए तो आप ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकें जिसको मदद की शायद इस धरती पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये वीडियो पूरा देखिए और इसको इतना शेयर कीजिए ताकि उस हर व्यक्ति को मदद पहुंच सके जो अपनी मदद खुद ना कर पा रहा हो। धन्यवाद। हो गई ऐसा कर दो। ठीक है ना, पानी भी साइड कर दे। नीचे नीचे बैठ, नीचे गिर जाएगा। नहीं नहीं ना, नीचे नीचे आप ऐसी चीज नहीं है। हाँ, एक बार चेक कर लेना। समाज में एक वर्ग ऐसा है जो तरसता है दाने दाने के लिए, अपनों के प्यार, समाज के सहारे और मदद के लिए। उसे हम देखते हैं धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास भूख से छटपटाते हुए, दर्द से कराहते हुए, जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए। ऐसे ही प्रभु स्वरूप पीड़ित, आश्रयहीन, असहाय, लावारिस, बीमार को वेदनादायक पीड़ा एवं मृत्यु का शिकार होने से बचा सकें। जो भी जरूरतें होती हैं वो सभी कार्यालय में ठाकुर जी की चिट्ठी में लिख दी जाती हैं, जिसे प्रभु विभिन्न मानव स्वरूपों में आकर पूरी कर देते हैं। अगर कहीं कोई ईश्वर स्वरूप असहाय बीमार कहीं मिले तो उन्हें किसी भी नजदीकी अपना घर आश्रम में पहुंचाकर उनके जीवन को संभालने में मदद करें या दूरभाष नंबर